हे एवरीवन, सो आज हम एक और प्रोग्राम करने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर। सो आज का अपना टास्क रहेगा राइट ए पाइथन कोड टू रीड ओनली नंबर्स फ्रॉम ए filename.txt एंड स्टोर इट इनटू एन एरे। मतलब हमें क्या करना है, एक फाइल के अंदर जैसे कोई भी हमने डाटा लिखा है उसके उस डाटा में से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर हैं, एंड जो भी नंबर हमें उस फाइल के अंदर मिलेंगे हमें एक एरे के अंदर स्टोर करने हैं। एंड उसके बाद अपना टास्क ये रहेगा कि प्रिंट ऑल द नंबर्स अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ वोवल इन द फाइल। फाइल के अंदर अपने जो भी वोवल्स जैसे ए ई आई ओ यू, ये अपने वोवल रहते हैं, जो भी हमारे वोवल होंगे फाइल के अंदर जितनी बार आए होंगे हमें काउंट करना है कि कितनी बार हमारी फाइल के अंदर आए हैं और उसको प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए कोड मैंने पहले से ही कर रखा है ताकि हमारा टाइपिंग में टाइम वेस्ट ना हो, और सो दैट मैं आपको अच्छे ढंग से समझा सकूं, बिकॉज टाइपिंग के टाइम पे आधा दिमाग उस साइड रहता है तो एक प्रॉपर वे से इंट्रैक्शन नहीं हो पाती है। सो अभी स्टार्ट करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने किस तरह से ये कोड बनाया है। एक बात ये बताना चाहूंगा आपको कि हर इंसान का लॉजिक अलग अलग रहता है, हो सकता है मेरे से बेटर लॉजिक किसी और का हो, किसी और वीडियो में आपको इससे बेटर मिल सके, बट मैंने अपनी तरफ से बेस्ट बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना टास्क रहेगा कि हमने जो नंबर फाइंड आउट करने हो एरे के अंदर स्टोर करने, और हमें पता है एरे की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, नंपाई मॉड्यूल। तो मैंने नंपाई मॉड्यूल को यहाँ इंपोर्ट कर लिया है और एज एनपी से मैंने एक तरह से एक निकनेम दे दिया उसको। तो मैं जहाँ भी अब एनपी लिखूंगा उसका मतलब नंपाई होता है। मैं नंपाई को अब यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा इंपोर्ट वाली वीडियो में कि अगर एक बार हम इसको निकनेम दे दें, एक तरह से इसको अलायस कहते हैं, उसको अलायस नेम दे दे, तो फिर हम उसका ओरिजिनल नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो अब एनपी ही यहाँ पे वैलिड होगा। ओके, अब उसके बाद मैंने एक फाइल ओपन कर ली है जो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ, पहले filename.txt ये मेरे पास पड़ी हुई है। तो ये मेरे पास फाइल के अंदर डाटा है, ये इसके अंदर नंबर है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये मुझे प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे फाइल ओपन करी है अपनी रीड मोड में क्योंकि हमें डाटा रीड ही करना है। आफ्टर दैट एक लिस्ट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो मैंने एम्प्टी लिस्ट ली है यहाँ पे और एक वेरिएबल वी ले लिया है नंबर ऑफ वोवल्स काउंट करने के लिए। तो इनको अभी आप इग्नोर कीजिए, आगे आपको पता लग जाएगा मैंने इनका यूज़ क्यों किया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रीड लाइन फंक्शन की हेल्प से फाइल में जो भी डाटा था वो रीड किया। और आपको पता है कि रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, जो डाटा रीड करेगा उसको रिटर्न कैसे करेगा, एज ए फॉर्म ऑफ लिस्ट, मतलब आपको लिस्ट की फॉर्म में डाटा रिटर्न करेगा। तो मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूँ आपको, लाइक प्रिंट करके मैं डाटा का टाइप बताऊंगा आपको, टाइप ऑफ डाटा। तो अभी मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए क्लास लिस्ट, इसको आगे इग्नोर कीजिए, इसको मैं बाद में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि हमारे डाटा का टाइप क्या है, लिस्ट, और इसके अंदर किस तरह का डाटा रहेगा। जैसे हमारे पास फाइल थी, कहाँ पर गई, वेट ए मिनट, फाइल हैंडलिंग के अंदर filename.txt। तो जैसे मैंने रीड लाइन फंक्शन को कॉल किया तो रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा, इस पूरे को एक एलिमेंट मानने का लिस्ट का, इसको एक एलिमेंट, इसको एक एलिमेंट और इसको एक एलिमेंट, इस तरह से कितनी लाइंस है हमारे पास, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे डाटा नाम की लिस्ट के अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे। तो इधर मैं लेंथ भी आपको इसकी प्रिंट करके दिखा रहा हूँ साथ में। तो ये देखिए हमारी लिस्ट के अंदर पूरी एक लाइन आई है, और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ना \n, इसका मतलब जैसे मैंने नेक्स्ट लाइन एंटर की है वहाँ पे नेक्स्ट लाइन शुरू, तो \n एस्केप करेक्टर कहते हैं उनको, वो इंटरनली मतलब वहाँ पे अप्लाइड हुआ बट हमें दिख नहीं रहा था, बट यहाँ पे उसने हमें रीड करके दे दिया। तो इसका भी काफ़ी दिक्कत आई कि इसकी वजह से, अभी आपको पता लगेगा आगे चल के। तो यहाँ पे ये मेरा डाटा, और यहाँ पे देखिए 8 प्रिंट हो रहा है, ये हमारी लेंथ है जो लिस्ट की, इसके अंदर 8 एलिमेंट पूरे उसकी लेंथ है। तो ये भी हमें क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये डाटा है, इसका टाइप कौन सा है, लिस्ट, और इसके अंदर एलिमेंट रीड लाइन ने कन्वर्ट करके दिए लिस्ट फॉर्म में। जो भी इसने डाटा रीड किया रीड लाइन ने, पूरे एक लाइन को एक एलिमेंट मानेगा वो लिस्ट का। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब किसी भी लिस्ट से हम एलिमेंट कैसे फैच करते हैं, उसके एलिमेंट्स किस तरह से रीड करते हैं, फॉर लूप की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप का यूज़ किया है, कोई भी वेरिएबल नेम मैंने यहाँ पे डी ले लिया, इन डाटा। अब जब ये लाइन चलेगी तो इससे क्या होगा, अब डाटा के अंदर अपने पास पहला
जो मतलब लाइन थी, फर्स्ट एलिमेंट कह लीजिए, लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है डाटा के अंदर, वो दोबारा फाइल ओपन करनी पड़ेगी। ये है अपना पहला एलिमेंट। ओके, तो डी के अंदर अभी अपने पास क्या होगा, वो फर्स्ट लाइन पूरी। तो डी को अगर मैं अभी यहाँ प्रिंट करके बताऊँ, नहीं मल्टीपल टाइम्स चल पड़ेगा, आप ऐसे समझिए डी के अंदर अभी फर्स्ट लाइन है हमारी। जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो डी डॉट स्प्लिट के अंदर, स्प्लिट से क्या होता है, वो एक तरह से हम उसको एक तरह से सेपरेटर बताते हैं कि लाइन को सेपरेट करने के लिए हम स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करते हैं कि हमें कौन से, जैसे यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है तो मैं एक तरह से स्प्लिट फंक्शन को बता रहा हूँ जहाँ भी तुझे स्पेस मिले भाई वहाँ से उसे एक एलिमेंट की तरह ट्रीट कर दे। और ये जो भी डाटा रिटर्न करता है एज ए फॉर्म ऑफ लिस्ट रिटर्न करता है, तो डी के अंदर जो भी डाटा होगा लिस्ट फॉर्म में होगा। तो जैसे डी के अंदर अभी डाटा था हे शिव, वो एक पूरा एलिमेंट था वो लिस्ट का, अब स्प्लिट फंक्शन से क्या हो गया, वो टूट गया स्पेस जहाँ भी उसको मिला, हे के बाद उसे स्पेस मिला, तो हे को उसने फर्स्ट एलिमेंट माना और शिवू को सेकंड एलिमेंट माना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको डी का टाइप बताऊँ, प्रिंट टाइप ऑफ डी, अब ये टाइप जो है लिस्ट देगा, मल्टीपल टाइम्स प्रिंट होगा। तो ये देखिए टाइप क्या है, लिस्ट। और इसका अगर आपको एलिमेंट देखना है कि इसके अंदर क्या था, तो सिर्फ फर्स्ट लाइन पे आप टाइप डी इज नॉट डिफाइंड, ओके समथिंग। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, हे इसने फर्स्ट एलिमेंट में लिया, आफ्टर दैट उसको स्पेस मिला, तो उसने स्पेस का जो दूसरा एलिमेंट उसको मिला था उसके, इसने उस लाइन को एक तरह से सेपरेट कर दिया, उसको लिस्ट के अंदर एक अनदर एलिमेंट के रूप में सेव कर दिया। तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो भी हो रहा है स्प्लिट फंक्शन की हेल्प से हो रहा है। अब इससे क्या होगा, ये देखिए आपने जितनी बार ये लूप चला इसने हर एलिमेंट को अलग अलग लिया है, 10, 20, 30। इससे हमारा जो मतलब कह सकते हैं एक तरह से टास्क सिंपल हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इज डिजिट फंक्शन को कॉल करके पता लगाएंगे कि हमारे पास कौन से नंबर हैं या नहीं है। तो यहाँ पे इतना हमने समझ लिया यहाँ तक। अब डी भी एक लिस्ट है ना, अभी आपको मैंने टाइप बताया कि डी का टाइप क्या है, लिस्ट। तो लिस्ट को कैसे फेच करते हैं, फॉर लूप की हेल्प से। अब उसके अंदर थे मल्टीपल एलिमेंट, तो यहाँ पे फॉर डी डी मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया है, डी नाम की लिस्ट को मैं फेच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टाइम फर्स्ट एलिमेंट आएगा डी डी के अंदर, तो ये यहाँ पे मैच करेगा डी डी डॉट इस डिजिट से। क्या पता लगेगा कि वो डिजिट है हमारे पास, उसका टाइप इंटीजर है ये नंबर है ये नहीं है, न्यूमेरिक डेटा टाइप में आता है वो ये नहीं आता है। तो ये चेक करेगा, जैसे ये ट्रू आएगा रिटर्न करेगा ट्रू, तो ये हमारे लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगा। ये मैंने जो एम्प्टी लिस्ट ली थी इसका पर्पस यही था, क्योंकि यहाँ से जो भी डाटा मुझे मिल रहा था मुझे एक लिस्ट के अंदर स्टोर करना था। तो एल डॉट अपेंड से क्या, वो डाटा लिस्ट एल के अंदर स्टोर हो गया। जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारी एक लिस्ट के अंदर स्टोर होता जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। और मुझे वॉवल्स भी काउंट करने हैं, तो डिजिट में तो वॉवल्स आ ही नहीं सकते, तो इसलिए मैंने एल्स लूप का यूज़ किया कि जो डिजिट नहीं है उसको यहाँ पे कंपेयर करो आप डी डी के अंदर जो भी है वैल्यू। अब डी डी के अंदर जैसे स्ट्रिंग आएगी ना एक पूरी, जैसे पूरा एक नाम आ गया मान लो वॉवल, एक पूरा नाम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। तो आपको अगर आपने स्ट्रिंग पढ़ी है पाइथन में, तो आपने देखा होगा स्ट्रिंग को भी हम मतलब फॉर लूप, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है हमारे पास, और सीक्वेंस को हम फॉर लूप की हेल्प से, उसके एक एक करेक्टर को हम फॉर लूप की हेल्प से रीड कर सकते हैं। सेम केस यहाँ पे डी डी के अंदर एक स्ट्रिंग होगी, उस स्ट्रिंग को मैंने फॉर लूप की हेल्प से उसके हर एक करेक्टर को रीड किया है। तो एस के अंदर पहला करेक्टर आएगा, फिर दूसरा करेक्टर, तीसरा करेक्टर, फिर उस यहाँ पे वो कंडीशन को मैच करेगा। यहाँ पे इनमें से और लगाया मैंने, इनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो वी में इंक्रीमेंट कर देगा। दैट्स वाई यहाँ मैंने वी को 0 लिया था, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करने थे। जितनी बार ये लूप चलेगा सेम प्रोसेस आपका रिपीट होता जाएगा। मैंने एक बार आपको समझा दिया, अगर आपको पहली बार में समझ नहीं आया होगा तो आप वीडियो को दोबारा पीछे करके बैकवर्ड जाके थोड़ा ढंग से धीरे धीरे सुनिए, आपको ज़रूर समझ आएगा। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप खुद से प्रैक्टिस करिए और ड्राई रन कीजिए प्रोग्राम को खुद से, मतलब पेपर लेके उस पर ड्राई रन कीजिए, आपको ज़्यादा बेटर वे से समझ आएगा। तो गाइज इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम काम करेगा। आफ्टर दैट यहाँ मैंने फाइल को क्लोज कर दिया है। अब हमारा टास्क था कि हमें एरे के अंदर स्टोर करना है, तो नम पाई मॉड्यूल मैंने इसीलिए
इंपोर्ट किए थे कि उसके पास नंपाई के पास एक एरे नाम का फंक्शन होता है। उस एरे में मैंने देखो ये लिस्ट एल थी ना हमारे पास, ये मैंने पास कर दिया। अब इसका टाइप क्या होगा हमारे पास, एरे टाइप का। तो ये हमारा एरे बन चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टोटल नंबर्स मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊ, द नंबर इन द फाइल आर ओके। फाइल में के अंदर नंबर क्या है वो एल के अंदर स्टोर है हमारे पास, बट हम यहाँ पे ए आर आर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स है वी, ठीक है। एक बार मैं इसको रन कर रहा हूँ, ओके उस प्रिंट को हटा दे रहा हूँ कंफ्यूजन के लिए इसको, सो दैट आप आउटपुट को प्रॉपर वे से देख सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर है हमारे पास 10, 10, 20, 4, 50, 6 ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स है 20। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे ना हमारे पास एक नंबर मिसिंग है, तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। पहले तो हम वॉवल्स को काउंट कर लेते हैं, तो वॉवल्स काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 20 हमारे पास वॉवल्स है, वहाँ भी हमारे पास आउटपुट कितना आया था 20। बट आपने वहाँ पे एक चीज़ देखी हो, हमारे पास 10 भी आया था, 20 भी आया था, 456 भी आया था, 30 नहीं आया था। दिखाऊं मैं आपको एक बार दोबारा, ओके प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, ओके यहाँ पे आप देखिए 30 नहीं है हमारे पास। उसका रीज़न पता है क्या है, उसका रीज़न ये है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दोबारा बताऊँ, प्रिंट डी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना जहाँ जहाँ से भी मैंने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट की उसके लास्ट में एक एस्केप करेक्टर ऐड हो जा रहा है, बैक स्लैश एन। ये देखिए 30 के साथ उसने बैक स्लैश एन ऐड कर दिया है। तो जैसे ये इस डिजिट फंक्शन के पास ये वाली चीज़ जा रही है, वो उसको इग्नोर कर दे रहा है कि ये तो हमारे पास नंबर डाटा टाइप है ही नहीं, क्योंकि उसके साथ एक सीक्वेंस करेक्टर जुड़ा हुआ है। सो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ 30 नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे मतलब ओवरकम कर सकते हैं, एक सिंपल सा मतलब जुगाड़ कह लो एक तरह से। तो अगर जुगाड़ बताऊंगा आपको तो यहाँ तो आप स्पेस दे दीजिए यहाँ पे हर जगह, तो ये देखना 30 को काउंट कर लेगा यहाँ पे, सेव F5। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इस बार उसने 30 काउंट कर लिया, बट हमें जुगाड़ नहीं करना, हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ, filename.txt, ये स्पेस हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, और एक स्पेस यहाँ भी दिया था मैंने। और अगर मैं अब रन करूँ इस प्रोग्राम को तो हमारे पास 30 नहीं आना चाहिए, और ये देखिए 30 हमारे पास नहीं है इस लिस्ट के, इस एरे के अंदर। ओके सो अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास यहाँ पर स्प्लिट फंक्शन हमने जो यूज़ किया, हमें यहाँ पे मल्टीपल डायनामीटर से बताना पड़ेगा कि भाई तू स्प्लिट कर, बट ये चीज़ देख, यहाँ पे तो मैंने बोला जहाँ तुझे स्पेस मिले वहाँ से उस चीज़ को सेपरेट कर दे एक तरह से, बट मुझे यहाँ पे उसको और भी मल्टीपल सेपरेटर बताने हैं एट ए सिंगल टाइम। तो वो चीज़ मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक और मॉड्यूल होता है रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, इम्पोर्ट आरई, आपको आरई मॉड्यूल इम्पोर्ट करना है। बस यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे मैं आरई लगाऊंगा मॉड्यूल का नेम, क्योंकि मॉड्यूल नेम डॉट उसका फंक्शन। और यहाँ पे मुझे बताना है कि क्या क्या सिंबल तुझे देखने हैं, तो यहाँ ओवरकम सिंबल वो लगा रहा हूँ मैं, इसके अंदर ही बताना पड़ेगा आपको। एक तो हो गया अपने पास स्पेस, स्पेस बीच में लगा रहा हूँ मैं, और अब दूसरा मेरे पास क्या है, हमारे पास क्या था, वहाँ बैक स्लैश एन था ना, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, देखेगा हमारे पास सेपरेटर के रूप में एक स्पेस दिया और एक बैक स्लैश एन दिया है, ठीक। अब एक और चीज़ हमें यहाँ पास करनी होती है कि किसके ऊपर हमें ये स्प्लिट फंक्शन लगाना है, तो मैं लगाऊंगा इसे डाटा के ऊपर, नहीं डी के ऊपर, क्योंकि डाटा एक लिस्ट है, लिस्ट के ऊपर ये फंक्शन अप्लीकेबल नहीं होता, आपके पास एरर आएगा। यहाँ मैं उसको पास करूँगा तो डी के ऊपर इस फंक्शन को अप्लाई कर। अब मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 30 भी आ रहा है, और हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीपल सेपरेटर बताए स्प्लिट फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ आरई मॉड्यूल। सो गाइस, आपको एक बार देखना पड़ेगा आपके प्रोग्राम में किस तरह के सेपरेटर लगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मल्टीपल सेपरेटर दे सकते हैं। और सो एक चीज़ चेक कर लेते हैं, और सिंबल लगाना क्या हमारे लिए कंपलसरी है? अगर मैं इसको हटा दूँ और रन करूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इसको एक ही चीज़ कंसिडर कर रहा है। तो ये और सिंबल लगाना यहाँ पे कंपलसरी है आपके पास, ठीक है? तो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा, मैंने बहुत ही मतलब एक सिंपल वे से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक। आई जस्ट से दैट इफ़ यू लाइक ओनली देन सब्सक्राइब। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।